हेलो गैस नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से वीडियो बना चाहते हैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरे लास्ट तक देगा, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल डाल देगा ताकि उस तरह वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना बकवास करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको कैनमास्टर ओपन करना है। ओपन करने प्लस करने पर क्लिक करिए। क्लिक करना 60.9 रेसिपी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करिए इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसका क्या करना है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट करना होगा। तो बैकग्राउंड इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर जाइए। बैकग्राउंड है इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, उसका लेयर को बढ़ा देना है। जितना कि वीडियो बना चाहते उतना लेयर को बढ़ा देना है। चलिए इसको हम 20 सेकंड तक कर देते हैं। इस तरह से आपको भी कर लेना है। करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से फिर से लेयर पर क्लिक करना होगा और आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा, ठीक है। मीडिया पर क्लिक करिएगा। मीडिया पर क्लिक करने के कहना आपको जो लॉफ्ट इन इमेज है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जो लॉफ्ट इन इमेज है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको इसके अंदर अपना इमेज लगा लीजिएगा। इमेज कैसे लगाया जाए आपको नहीं पता है, तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल देंगे इसी जगह पर यहाँ से, और ऊपर से उस लिंक पर क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक वो वीडियो चलने लगेगा। किस तरह से अपना लॉफ्ट इन के अंदर इमेज लगाया जाता है वहाँ से आपको देखकर लगा सकते हैं, ठीक है। तो देख कर लगा लीजिएगा। लगाने के बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके साथ साथ इसको छोटा कर दीजिए और छोटा करके क्या करना है, इसको इस तरफ ले आना, ठीक है। इस जगह पर ला के इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना, थोड़ा सा और साइज को छोटा कर दीजिए। चलिए इतना सही है। और इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको एनिमेशन डालना होगा, जो कि एनिमेशन का यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको फर्स्ट में। इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको नीचे ड्रॉप का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ ड्रॉप का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस तरह से ड्रॉप होगा, ठीक है। ड्रॉप होगा, इसको परसेंटेज एक ही रहने देना है और इसको फिर से यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसका लेयर इस पर क्लिक करिए और यहाँ देखिए आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको इस जगह थ्री डॉट का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको इसी जगह पर मिलेगा, तो उस पर थ्री डॉट पर क्लिक करिए। थ्री डॉट पर क्लिक करने के कहना है इसको डुप्लीकेट कर लेना है। देखिए सबसे ऊपर में ही डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है, जो सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, जो सेकंड वाला है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के क्या करना है, आपको नीचे आएगा तो यहाँ आउट एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तीसरा नंबर पर इस पर क्लिक करिए और सबसे नीचे चलाइए, ठीक है। वहाँ देखिए नेक्स्ट स्लाइड राइट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के कहना है यहाँ से डन कर देना, ठीक है। डन कर दीजिए। डन करने इस पर सेलेक्ट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा स्क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। इसको 2 सेकंड तक कर लेना है। 2 सेकंड करने के कहना आपको यहाँ कैंची का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर इसको 2 सेकंड तक बढ़ा देना है और फिर इसको नीचे वाला से इसको कट कर देना, ठीक है। फिर इसको 2 सेकंड तक बढ़ा देना है और फिर से इसको यहाँ से कट कर देना, ठीक है। जैसे जैसे हम बताए सेम प्रोसेस आप करिएगा, इस तरह से आपको भी कर लेना, ठीक है। इसको 2 सेकंड पर या 3 सेकंड पर भी इसको कर सकते हैं। इसको हम 2 सेकंड पर ही किए हैं, आपको जितना मन है उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कट लेना, इस तरह से करके कर लेना, ठीक है। करने के बाद आपको फिर से फर्स्ट में चलाइए, फिर से लेयर क्लिक करिए, फिर से मीडिया क्लिक करिए और दूसरा जो लव वाला पीएनजी इमेज है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के क्या कहना है, इसको भी लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है और बढ़ाने के बाद क्या कहना है आपको, इसको साइज से छोटा कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या है, रोटेट कर दीजिए। इस तरह से रोटेट कर देना है। रोटेट करके इसको इस अच्छी तरह से बैठ परफेक्ट तरीके से इसको बैठा देना, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला इमेज के साथ किए थे सेम प्रोसेस इस इमेज के साथ भी कर लेना, ठीक है। जैसे जैसे बता रहे सेम प्रोसेस करिएगा, आप इसको आसानी से बना सकते हैं और इसको हम इस जगह पर एडजस्ट इस तरह से कर लेना, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा। करने में इसको में ही क्या करना है, आपको एनिमेशन जाना है और इसको भी ड्रॉप कर देना, ठीक है। इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करके इसको थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेट करने के कहना है, इसको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें भी आउट एनिमेशन जाना है और सबसे नीचे आइए, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक्सट्रैक्ट साइड और लेफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ राइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जस्ट क्लिक कर दीजिएगा, इस तरह से ही बन जाएगा, ठीक है। उसके क्या करना है, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट के नीचे आएगा। जैसे जैसे जो फर्स्ट वाला इमेज कट किए थे सेम प्रोसेस इसके साथ भी कर लेना, ठीक है। इसको भी इसी तरह से कट करते जाना है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं सेम प्रोसेस इससे करना है, ठीक है। तो इसको हम कट कर लेते हैं, आपको भी इसी तरह से कट कर देना, ठीक है। तो कट कर दिया अच्छी तरह से, इसमें परफेक्ट तरीके से बढ़ जाएगा। चलिए इसको हम कट कर देते हैं। चलिए कट हो चुका है, कट हो जाना है। इस तरह से फिर से फर्स्ट में आ जाइए और थोड़ा सा स्क्रॉल करके लेयर पर क्लिक करिए और आपको मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है। मीडिया पर क्लिक करने के आपको पक्षी लेना, ठीक है। पक्षी का लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
और डाउनलोड करके इसको इस तरह से इमेज को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए, चलिए इतना सही है। और इसको इस तरफ इस जगह पर एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर साथ और छोटा कर लेना है, चलिए इतना सही है। और इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर चाबी का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करने है तो इसको प्लस करके पर क्लिक कर देना, ठीक है। और इसको फिर से फर्स्ट में जाइए और इसको खींच कर इस तरफ ले आना, ठीक है। इस तरफ ले आइए और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए, जैसे ही पक्षी आके इस जगह रुकेगा फिर से लेयर क्लिक करिए, फिर से मीडिया क्लिक करिए और एक पक्षी को और हम सेलेक्ट करें जो कि दूसरे का कलर होगा, इस कलर वाला को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देंगे, इस तरह से बढ़ा देना आपको भी, और इसको रोटेट कर देना, ठीक है। इसको हम रोटेट कर देते हैं, रोटेट करने का क्या नाम है, साइज को छोटा कर देना इस तरह से, जैसे फर्स्ट लग जितना साइज का है उतना ही साइज को इसको भी लगा देना इस जगह पर, इसको इस तरफ एडजस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चाबी का आइकन पर क्लिक कर दीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसका फिर से फर्स्ट में आ जाइए और इस इमेज को खींच कर इस तरफ ले आना है और यहाँ इसको एडजस्ट इस तरह से कर देना, ठीक है। जैसे ही एडजस्ट हो जाएगा उसका क्या करना है, फिर से लेयर क्लिक करना है और ओवर लेयर में जाना, ठीक है। आपके यहाँ पर एक फायर का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फायर का ऑप्शन देखिए, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको भी सेलेक्ट कर लेना है और आपका यहाँ पर देखिए फायर का ऑप्शन इस जगह पर नहीं आ रहा है, आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ देखिए गेट मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करके फायर वाला इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसको लेयर को पूरा लास्ट तक बढ़ा देना है और साइज को इसको छोटा छोटा करके और इसको इस जगह पर एडजस्ट कर देना है, इस जगह पर, ठीक है। देखिए इस जगह पर एडजस्ट कर दीजिएगा, इस तरह से चलने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा फिर से स्क्रॉल कर लीजिए, फिर से लेयर क्लिक करिए और आपको मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है। मीडिया पर क्लिक करके आपको एक यहाँ से क्या करना है, एक जो सिंगल फ्लावर पीएनजी में है इसको मैं से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करके साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिए और छोटा करके इसको इस जगह पर ले आना है ऊपर में और छोटा कर देना है और इसमें ओवर एनिमेशन जाना है और यहाँ ओवर एनिम्स जाने के बाद आपको यहाँ फ्लडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर इस तरह से क्लिक कर देना, नीचे वाला फ्लडिंग देखिए फ्लडिंग के ऑप्शन में इस पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के कहना है फिर से लेयर क्लिक करना है, फिर से मीडिया क्लिक करना है और हम दूसरे का कलर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ब्लू वाला को सेलेक्ट कर लेंगे, लेयर को लास्ट तक बढ़ा देना है, साइज को पूरा छोटा कर देना, जितना छोटा उस किए थे सेम इसको भी छोटा कर देना है और इसको इस तरफ खींच के ले आना, ठीक है। इस तरफ ले आइए, चाफी के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करके और इस जो इमेज है इसको खींच कर इस तरफ ले आना, ठीक है। इस तरफ ले आइए और उसका फिर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए और इसको खींच के फिर से इधर सॉरी साइज बहुत बड़ा हुआ है, इसको पूरा छोटा करके और इसको हम खींच कर ले आएंगे इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ ले आना है और इसको पूरा फिर से इसको लास्ट में चलाना है, लास्ट में आने के कहना है इसको खींच कर इस तरफ फिर से ले आना है, ठीक है। इस तरफ ले आइए और इस तरफ लाने के कहना है एनिमेशन डालना होगा जो कि ओवर एनिमेशन जाना है और वहीं फ्लडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है, जैसे जैसे हम बताएं सेम प्रोसेस आप करिएगा तो इसको आसानी से इसको बना सकते, ठीक है। उसके बाद फिर से फर्स्ट में जाइए और यहाँ से एक आपको ऑडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको जो भी ऑडियो होगा तो आपके यहाँ पर प्रोफाइल यहाँ खुल जाएगा और यहाँ से आपको ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको जो ऑडियो यहाँ से अच्छा लगे ऑडियो को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ से हम ऑडियो को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से आपको ऑडियो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करके यहाँ से प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपको ऑडियो यहाँ से जगह पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चलिए हम वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दिया, कई तरह के वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले पर दो वीडियो शो करेगा, दोनों वीडियो क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, इंस्टाग्राम वीडियो के साथ।